जैसे ईसाइयों का ले लीजिए, ईसाइयों का एक धार्मिक संस्कार होता है बपतिस्मा, चर्च में जाकर के आपकी बपतिस्मा कराई जाएगी तभी आप जाके ईसाई के होंगे। आपको मुसलमान बनना है तो सुन्नत कराई जाती है, बिना सुन्नत का कोई मुसलमान नहीं होता। सुन्नत कराया जाता है, बकायदे नात रिश्तेदार सबको बुला के खिलाया पिलाया जाता है, सुन्नत करा के मुसलमान बनाया जाता है। सिखों में आप देख लीजिए, उनके पगड़ी कड़ा कटार कंधा ये लेकर के उन्होंने सिख बनाया जाता है, बिना पगड़ी कटार का कोई सिख नहीं होता। बौद्धों में देख लीजिए, बौद्ध एक बनेगा उसका पर्वतीय संस्कार होता है, उसको भिक्षु द्वारा केशपान करा करके चिविर पहना करके 8 दिन 10 दिन उसे प्रवचित कर करके दीक्षित कर करके उसे दीक्षा दी जाती बौद्ध धर्म की। और हिंदुओं की देख लें तो हिंदुओं में उपनयन संस्कार होता है, द्विज संस्कार, जिसमें बच्चे को जनेऊ पहना करके उसे द्विज घोषित किया जाता है, तब जाके हिंदू होता है। मैं पूछूं कि अगर आप में इसमें से कौन सा संस्कार आपका हुआ, आपने द्विज कराया, जनेऊ पहना कि आप हिंदू हैं, प्रवज्ञ संस्कार किया कि बौद्ध है, या सुन्नत कराई कि मुसलमान है, या किस तरह का कंधा लगाया कि सिख है, या बपतिस्मा कराई कि आप ईसाई है, तो पता चलता है कि हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ। जब आपका कोई संस्कार नहीं हुआ तो कैसे कह रहे हैं गर्व से हम हिंदू? आपका कोई संस्कार नहीं हुआ इसका मतलब आपने कोई धर्म नहीं लिया, इसका मतलब ये होता कि आप हम अधर्मी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अगर धर्म होता तो किसी न किसी संस्कार से हमारा भी संस्कार होता, लेकिन हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ। लेकिन एक बात और दिलचस्प है कि अगर आज आप सिख बनना चाहें, बौद्ध बनना चाहें, बौद्ध बनने के लिए अभी आपका प्रवचन संस्कार दीक्षा भूमि जाइए, किसी बौद्ध विहार जाइए, आपकी दीक्षा संस्कार करा दिया जाएगा। मुसलमान बनना चाहे तो अभी सुन्नत हो जाएगी, कलमा टोपी पहना के मुसलमान बना दिया जाएगा। आप बपतिस्मा कराना चाहे, ईसाई बनना चाहे तो आपको ईसाई बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आज आप हिंदू बनना चाहे, अगर आप हिंदू बनना चाहे तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका जनेऊ संस्कार नहीं हो सकता, आप हिंदू नहीं बनाए जा सकते। तो आप चाह करके भी जब हिंदू नहीं बनाए जा सकते तो छाती पीटने से कैसे हिंदू हो जाएंगे? कौन स्वीकार करेगा आपको द्विज संस्कार कराकर? मैंने बहुत सारे टीवी अखबारों में देखा घर वापसी हो रही थी धर्म के नाम पर, लेकिन किसी को जनेऊ नहीं पहनाया गया, किसी को हिंदू नहीं बनाया गया। अरे जो घर वापसी होती थी तो 6,500 जातियां हैं हिंदू, कितनी है 6,500 जातियां हैं। और मैं ये भी किताबें के साथ कहता हूं कि हिंदू के हिंदू में शादी विवाह नहीं होता, हिंदू के हिंदू में शादी विवाह हो तो शादियों बता दीजिए कि हिंदू में शादी विवाह होता हो, नहीं होता है। किसमें होती है? जाति में। ये यादव जी है, ये कुर्मी है, शादी हो जाएगी? ये चमार है, वो पासी है, शादी हो जाएगी? नहीं होगी। किसमें होगी? जाति में होगी। चमार है तो चमार में होगी, कुर्मी है कुर्मी में होगी, यादव के यादव में होगी, हिंदू में नहीं होगी। फिर काहे के हिंदू? फिर किस लिए हिंदू? वो हिंदू मुसलमान लड़ने के लिए, भारत पाकिस्तान लड़ने के लिए। यानी आपके साथ धोखा हो रहा, हमारे साथ धोखा हो रहा, धर्म के नाम पे धोखा।